हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, आज मैं आपके साथ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं, जो कि है विमेन हेल्पलाइन 181 पर कॉल करने का। आज मैंने 181 पर कॉल की और उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। मैंने अपनी ऑडियो क्लिप भी इसमें शेयर करी है, आप उसे सुन सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कंप्लेंट की थी क्या कुछ नंबर पे? नहीं, मैंने उस पर की थी 181 पे, तो उन्होंने भेजा था ना बिंदापुर पुलिस। हाँ, वो तो कॉल हो गया, वो आ गए थे, फिर उन्होंने वो उसका हस्बैंड भी आ गया था लड़की का, और सब कुछ मैटर सोल्व हो गया। अच्छा, मैटर सोल्व हो गया। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीति। प्रीति, ठीक है जी। दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आप किसी को देखे जिसको हेल्प की जरूरत हो या आपको खुद को हेल्प की जरूरत हो, तो आप झिझके नहीं, आप डायरेक्ट इन नंबरों पे कॉल कीजिए। ये जो नंबर है ये हमारी हेल्प के लिए ही बने हैं, आप इन नंबरों पे कॉल कीजिए और उनसे हेल्प मांगिए। मैंने आज कॉल किया था 181 जो कि विमेन हेल्पलाइन नंबर है, उस पर। आज मैं मार्केट जा रही थी तो मुझे जो उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन है वहां पर एक लड़की मिली जिसका नाम था ज्योति, और वो काफी रो रही थी। वो 23 साल की थी लेकिन उसको अपना एड्रेस कंफर्म नहीं पता था और उसके पास फोन नहीं था, उसका फोन वो हॉस्पिटल में छोड़कर आ गई थी। मैं आपको बता दूं कि जो ज्योति है ये आरएमएल हॉस्पिटल से भागकर आ गई थी, इसका वहां पर इलाज चल रहा था। तो वहां पर भाग के आ गई थी तो उसका जो फोन था वो वहीं पर था, और जैसे कि फोन होने की वजह से एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि हम किसी का नंबर याद रखते नहीं है ज्यादा, तो उसको किसी का नंबर याद था नहीं और उसे अपना एड्रेस भी कंफर्म नहीं था। वो वहां जा नहीं पाई और घबरा गई, पैनिक हो गई, तो काफी रोने लग गई। वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी तो काफी सारे लोग उससे पूछ रहे थे लेकिन वो डर गई थी। वो प्रेग्नेंट थी और उसका इलाज था उसका वहां पे, तो कुछ प्रॉब्लम थी तो वहां पर थी, वैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगा कि शायद ये कोरोना की वजह से भाग कर आ गई है, तो लोग उससे थोड़ा दूर थे और उसकी हेल्प नहीं करना चाह रहे थे, तो वो सब प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसा उसको छोड़ना सही नहीं है, तो मैंने जो है 181 नंबर पर कॉल की, उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनको पूरी सिचुएशन बताई कि ये लड़की है आरएमएल से आ गई है, यहां पर लोगों को शक है कि उस पर शायद कोरोना हो सकता है। तो बाद में फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। और 5 मिनट के अंदर ही मेरे को कॉल आ गई थी कि वहां पे जो है बिंदापुर थाना पड़ता है, तो वहां से मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट पूछा कि आप कहाँ पर हो, और वो पहुंच गए थे। मैक्सिमम 10 मिनट लगा होगा और जो पुलिस हेल्प थी वो वहां पर पहुंच गई। उनके आने के बाद उन्होंने लड़की से बात की और काफी, मतलब जब वो काउंट डाउन हुई तो उसको अपना फोन नंबर याद आया, अपने हस्बैंड का फोन नंबर याद आया, तो उन्होंने बताया, देन उसके हस्बैंड को फोन किया और वो वहां से आए उसको लेने के लिए। देन पुलिस ने भी वेरीफाई किया, उसके डॉक्यूमेंट चेक किए कि कहीं उसको कोरोना तो नहीं था, क्योंकि वो हॉस्पिटल से भागकर आई थी, उसके वो हाथों में ब्लड लगा हुआ था जो इंजेक्शन वगैरह का होता है, तो उसकी वजह से काफी लोगों को शक था कि शायद ये कोरोना की पेशेंट हो सकती है, लेकिन वो थी नहीं। लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि पहले उसको कन्फर्म किया, उनकी फैमिली को बोला कि डॉक्यूमेंट लेकर आए, देन उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए कि उसको वैसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर वो अपने हस्बैंड के साथ चली गई। दोस्तों, मैंने कॉल किया, काफी सारे लोग कॉल इसलिए नहीं करते कि यार बाद में बड़ा झंझट होगा, बार बार फोन करेंगे एंड ऑल, या फिर मैं क्यों दूसरे के झंझट पे पड़ू। देखिए, वो फोन तो करते हैं, अगर आप अपने फोन से कंप्लेन करते हैं तो वो बाद में एक दो बार फोन करते हैं, और मेरे पास भी एक दो कॉल आई जिसकी ऑडियो क्लिप मैं यहां पर आपको सुना दूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऊपर कोई केस लग जाता है या पुलिस वाले आपको कुछ डराते हैं या कुछ बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि जो वहां पर पुलिस वाले आए थे उन्होंने मुझे बोला, शाबाशी दी कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया एंड ऑल, उन्होंने काफी बोला। और वहां पे जो एक दो अंकल थे उन्होंने भी बोला कि बेटा आप लड़की और लड़की के साथ रहो, और क्योंकि वहां पे जो आंटियां थी या फिर एक दो लड़कियां आई थी वो सिर्फ पूछ के जा रही थी, किसी ने भी मतलब आगे क्या करना है एंड ऑल ये नहीं सोचा,
तो अगर आपको कभी मिलता है कोई ऐसा जिसको आपकी हेल्प की जरूरत है तो प्लीज उसकी हेल्प कीजिए, और अगर आपको खुद को हेल्प चाहिए तो आप प्लीज बेझिझक कॉल कीजिए और उनसे हेल्प मांगिए। जो 181 नंबर का मेरा एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत जल्दी हेल्प मिली और वो फोन पे भी बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। और यस, जब मैटर सॉल्व हो गया था, उसके हस्बैंड आ गए थे तो पुलिस वाले ने बोल दिया था कि बेटा आप जा सकते हो। और उसके बाद मेरे पास दो बार कॉल आया था, एक तो महिला आयोग से ही आया, देन दूसरा जो है मेरा उसके थाने से आया था कंफर्म करने के लिए कि वो जो केस था आपका वो सॉल्व हो गया एंड क्या मैटर था एंड ऑल, और मेरा क्या रिलेशन था उसके साथ, ये सब क्वेश्चन पूछे, पर इतना कुछ नहीं था। तो बाकी सब इजीली सॉल्व हो गया, थैंक गॉड। उसकी जो जो हस्बैंड था वो मिल गया और ऐसा वैसा कुछ केस हुआ नहीं। तो अगर आपके पास कभी ऐसा कोई मिलता है जिसको हेल्प की जरूरत है या खुद आपको हेल्प की जरूरत है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में विमेन हेल्पलाइन के और भी नंबर शेयर किए हैं, स्टेट वाइज भी शेयर किए हैं, आप उन नंबरों से हेल्प ले सकते हैं। प्रीति, हाँ जी, ये कि ज्योति वाला क्या मैटर था, ऐसे विक्रम बोल रहा था बिल्लापुर थाने से। हाँ जी, वो सर मुझे वो लड़की मिली थी मेट्रो स्टेशन के नीचे, अच्छा, बहुत रो रही थी, उसको एड्रेस भी कंफर्म नहीं था और घर का भी पता नहीं था उसको कंफर्म, और वो हॉस्पिटल से आई थी, अच्छा, आरएमएल से एक हफ्ते रुकती थी, तो कह रही मुझे हॉस्पिटल भी नहीं जाना और घर का कुछ कंफर्म नहीं था, तो मैंने 181 पे कॉल की थी, देन बिंदापुर से वहाँ से आ गए थे, उसके बाद उसके हस्बैंड और आ गए थे लोग उसके फैमिली से ना। नाम तो पता उनका नहीं पता। चलो ठीक, ओके ओके।